नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी किया। कहा, विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथरस सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। मामले की जांच विशेष जांच दल करेगा। निर्वाचन आयोग की टीम ने आज बिहार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.33% हुई। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच पहली तीखी बहस। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मुकेश कुमार। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा की थी। एक कोड़ी हम खर्च तो करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की झोपड़ियों में जाती है कि नहीं, ये देखना है। मेरे लिए तो वही हिसाब होता है कि हम पैसे लेते हैं, करोड़ों रुपये वो हिंदुस्तान की झोपड़ियों में से आता है, तो वहाँ उसमें से हम कितना भेजते हैं। और कानून तो ये कहता है, सच्चा कानून, कि अगर पंचायत राज है, लोगों के नाम से ही राज चलता है, लोगों के काम से ही राज चलता है, तो लोगों के पास से पैसा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा लेते हैं उससे 10 गुना उनके घर में जाना चाहिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। अपना फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था। आरोपी खुद भीड़ को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 16वीं सदी के बाबरी ढांचे को गिराए जाने के 28 सालों के बाद आए इस विशेष अदालत के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई दिग्गज नेताओं को बड़ी राहत दी है। आज जिन 32 आरोपियों को बरी किया गया, उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें आपराधिक साजिश रचने, दंगा फैलाने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने के आरोप शामिल थे। सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 351 गवाह पेश किए और लगभग 600 पन्नों के दस्तावेज अदालत के सामने रखे गए। शुरुआत में अदालत ने कुल 49 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिनमें से 17 की मौत इतने लंबे समय तक केस खींचने के दौरान हो गई। इस मामले का फैसला सुनाने के लिए विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव को रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार दिया गया था और जल्दी फैसला आ सके, इसके लिए पिछले 2 सालों से हर दिन मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह सहित 32 अभियुक्तों में से अधिकांश वरिष्ठ नेता विभिन्न स्वास्थ्य कारणों और कोरोना महामारी के चलते लखनऊ अदालत में मौजूद नहीं थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि न्याय की सदैव जीत होती है। लालकृष्ण आडवाणी ने विशेष अदालत के फैसले का हार्दिक स्वागत किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस फैसले ने राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति उनके तथा भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर मोहर लगाई है। श्री मुरली मनोहर जोशी ने भी फैसले का स्वागत किया है। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम
किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे, वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है। और अब मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस सामूहिक दुष्कर्म घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस घटना के सभी चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की सुनवाई त्वरित न्यायालय में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हाथरस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों के विशेष जांच दल के गठन का भी निर्देश दिया। इसकी अध्यक्षता राज्य के गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे और इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक चंद्र प्रकाश तथा पीएसी में सेनानायक अग्रा पूनम शामिल होंगी। ये दल 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा। इस बीच राज्य पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि पीड़िता का अंतिम संस्कार परिजनों की सहमति के बिना किया गया। पीड़ित लड़की के साथ 14 सितंबर को हाथरस जिले में चंदपा थाने के अंतर्गत एक गांव में 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। उसे पहले अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। 15 दिन बाद कल उसने दम तोड़ दिया। केंद्र सरकार किसानों को बार बार आश्वस्त कर रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज तथा मवेशी बाजार समितियां जारी रहेंगी और किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कहा था कि कृषि सुधार विधेयकों का विरोध कर रहे लोग नहीं चाहते कि किसानों को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने की आजादी मिले। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा अधिनियम 2020 के इस प्रावधान को लेकर लोगों की एक आपत्ति है कि इसके तहत कृषि उपज को बाजार समिति मंडियों के बाहर भी बेचा जा सकता है। किसानों को डर है कि अगर मंडी व्यवस्था समाप्त हो गई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रशासनिक निर्णय है जो अब भी मौजूद है और भविष्य में भी रहेगा। एक रिपोर्ट। नए अधिनियम का उद्देश्य किसानों को एपीएमसी बाजार के अलावा भी अपनी उपज बेचने के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि किसानों को अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिल सके। इससे किसानों की मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद प्रणाली से हो रही स्थायी आय के अलावा भी आमदनी होगी। एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जहां किसानों और कारोबारियों को अपनी पसंद के अनुरूप उपज बेचने और खरीदने की आजादी होगी। इससे किसानों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे किसानों की विपणन लागत कम होगी और उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अनुसार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद जारी रखी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के प्रस्तावों पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा जिलों के लिए 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक दलहन और तिलहन खरीद की मंजूरी दी गई है। खरीफ विपणन सीजन के दौरान 2020-21 में हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद 26 सितंबर से शुरू कर दी गई है। अब तक 3,164 मीट्रिक टन धान हरियाणा में और 13,256 मीट्रिक टन पंजाब में खरीदा जा चुका है। मंत्रालय का कहना है कि अब तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 46.35 मीट्रिक टन मूंग दाल की खरीद की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के पूर्ण दल ने आज बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पटना में मुलाकात की। जनता दल यूनाइटेड ने मांग की कि निर्वाचन आयोग मतदाताओं के बीच मतदान पर्ची वितरित करने की जिम्मेदारी ले। पार्टी ने आयोग की बैठक में सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की। कांग्रेस ने 10 मतदान केंद्रों के बीच एक चिकित्सा दल तैनात करने की मांग की। दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी ने आग्रह किया कि पंचायत चुनावों की तर्ज पर विधानसभा चुनाव के मतदान केंद्र हों। बाद में आयोग का दल सारण, सिवान, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर सहित 26 जिलों के पुलिस आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ पटना में समीक्षा बैठक करेगा। निर्वाचन आयोग का ये दल आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के 3 दिन के दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार भी हैं। आयोग के इस दल ने
कल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां कोविड 19 महामारी के दौरान विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग कल गया जाएगा, जहां 12 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इन जिलों में औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास शामिल हैं। दिल्ली वापसी से पहले निर्वाचन आयोग बिहार की मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ समीक्षा बैठक करेगा। उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड 19 महामारी और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ को देखते हुए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित होनी है। न्यायमूर्ति एम खानविलकर, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी ने केंद्र से ऐसे उम्मीदवारों को एक और मौका देने को कहा है जो महामारी के कारण पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए। न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2020 और 2021 की परीक्षाएं एक साथ करने की याचिका भी खारिज कर दी है। न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा 2 से 3 महीनों के लिए स्थगित कर दी जाए ताकि तब तक लगातार वर्षा और कोविड 19 की स्थिति से राहत मिल सके। आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक एहतियात और पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट्स वर्ल्ड न्यूज, न्यूज एंड व्यूज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। व्हाट हैपेंड, व्हाट इज अप नेक्स्ट, द न्यूज मेकर्स एंड द हाइलाइट्स ऑफ द डे, एवरी डे एट 10:20 इन द नाइट ऑन 100.1 FM ऑल इंडिया रेडियो। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी किया। कहा, विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथरस सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। मामले की जांच विशेष जांच दल करेगा। निर्वाचन आयोग की टीम ने आज बिहार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.33% हुई। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच पहली तीखी बहस। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 से 80,472 लोगों के संक्रमित होने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 62 लाख से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ लोगों की संख्या 51,87,825 होने के साथ ठीक होने की दर 83.33% हो गई है। कोविड 19 से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 62,25,763 हो गई है, जबकि इस संक्रमण से एक दिन में 1,179 लोगों की मौत हुई। मृतकों की कुल संख्या 97,497 हो गई है। वर्तमान में देश में कोरोना के 9,40,441 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 15.11% है। मृत्यु दर 1.57% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 10,86,688 नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,41,96,729 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में कोविड 19 के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। सक्रिय मामले 2 महीने में आधे से भी कम हो गए हैं। पहले अगस्त को ये 33.32% थे, जबकि 30 सितंबर को 15.11% रह गए। स्वस्थ होने की दर और सक्रिय मामलों के बीच अंतर बढ़कर 42 लाख हो गया है। 76% से अधिक सक्रिय मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,60,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 के 2,103 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,91,386 हो गई है। कल 55,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई।
2,243 और रोगियों के स्वस्थ होने के बाद स्वस्थ होने की दर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और ये 84.08% हो गई है। राज्य में अब तक 1,60,933 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान इस संक्रमण से 11 लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतकों की संख्या 1,127 हो गई। ओडिशा में कोविड 19 से 3,896 और मरीजों के ठीक होने के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,81,481 हो गई है। आज 3,443 सक्रिय मामले मिलने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,19,119 हो गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि निजी अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों ने कोविड 19 की स्थिति का अनुचित लाभ उठाया है और वे मरीजों से मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी अधिक कीमत वसूल रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के एक कार्यक्रम में श्री टोपे ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें देखा गया है कि निजी अस्पताल चिकित्सा सेवाओं के लिए लोगों से भारी कीमत वसूल रहे हैं। श्री टोपे ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें तय करने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि लोगों पर इसका बोझ न पड़े। श्री टोपे ने कहा कि कोविड 19 मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी बहुत अधिक सफल नहीं है, फिर भी इस थेरेपी के लिए 10,000 से 12,000 रूपये लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार प्लाज्मा थेरेपी के लिए 5,500 रूपये का शुल्क निर्धारित करती है। उन्होंने कहा कि जांच कराने के लिए भी शुल्क तय किया गया है। श्री टोपे ने यह भी कहा कि कोविड 19 महामारी और लॉकडाउन के कारण लोगों की नौकरियां गई हैं और इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है, जिससे निपटना भी एक चुनौती है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि मुंबई में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को बसों, टैक्सी और ऑटो रिक्शा जैसे सार्वजनिक परिवहन के साधनों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीएमसी के अनुसार मॉल, कार्यालय और रिहायशी सोसाइटी जैसी तमाम जगहों पर मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं के स्टिकर्स लगाए जाएंगे ताकि लोगों में कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के लिए मुंह ढकने जैसे उपायों के प्रति जागरूकता बढ़े। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड 19 महामारी को देखते हुए नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा त्योहारों के दौरान डांडिया, गरबा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द करने का आह्वान किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने कल एक परिपत्र जारी कर भीड़ इकट्ठी किए बिना त्योहारों को सादगी से मनाने की सलाह दी। गणेश उत्सव की एसओपी के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने दुर्गा मूर्तियों की ऊंचाई को अधिकतम 4 फीट तक सीमित कर दिया। मूर्तियों का विसर्जन घर पर या नगर निगम या हाउसिंग सोसाइटी द्वारा बनाए गए किसी कृत्रिम तालाब में किया जाना चाहिए। दिशा निर्देशों में देवताओं के ऑनलाइन दर्शन को प्रोत्साहित किया और पंडालों में एक समय में 5 से अधिक लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। एसओपी में पीओपी मूर्तियों के बजाय मिट्टी या धातु की मूर्तियों को प्रोत्साहित किया गया है। दशहरे के दौरान रावण के पुतले को जलाना बिना सार्वजनिक सभा के प्रतीकात्मक तरीके से आयोजित करने को कहा है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। शिवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राज्य सरकार के परिपत्र में कहा गया है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी पहल का पालन किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि कोविड 19 के साथ मलेरिया और डेंगू जैसे अन्य संक्रामक रोगों के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जाने चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महामारी के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान की सराहना की है। उन्होंने महामारी के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक पुस्तिका बिल्डिंग सेल्फ रिलायंट रिसर्जेंट रिजिलियंट इंडिया का विमोचन किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम देश का गौरव हैं। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के दौरान विद्युत आपूर्ति 99% रही। श्री जावड़ेकर ने बताया कि तेल विपणन कंपनियों ने 24 घंटे काम करना जारी रखा और आवश्यक सामान की आवाजाही भी जारी रही। आज मुझे खुशी है कि आज हमने हमारे सार्वजनिक कंपनियों के तरफ से कोविड के काल में जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उसका एक कंपेंडियम हमने प्रसिद्ध किया है। इसमें किस तरह से कोविड के पीरियड में इवन लॉकडाउन में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जारी रहा, किस तरह से गैस सप्लाई जारी रहा, किस तरह से गैस का रिफिल जारी रहा, किस तरह से पेट्रोल पंप खुले रहे, किस तरह से माल की ढुआई होती रही। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि मध्य रेलवे मुंबई में 1 अक्टूबर से 8 और लोकल रेलगाड़ियां चलाएगा। श्री गोयल ने ट्वीट कर बताया कि 8 लोकल रेलगाड़ियों में से 2 महिलाओं के लिए होंगी।
रेल मंत्री ने बताया कि इस कदम से सुरक्षित दूरी अपनाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को सुविधा होगी। मध्य रेलवे फिलहाल रोजाना 423 रेलगाड़ियां चला रहा है। 8 और नई रेलगाड़ियां चलने से इनकी संख्या 431 हो जाएगी। रेलवे ने सभी यात्रियों को रेलगाड़ी पर चढ़ने उतरने और यात्रा के दौरान सरकार की ओर से जारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के संबंध में नीति आयोग और नई दिल्ली में नीदरलैंड्स दूतावास के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस पत्र पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और नीदरलैंड्स के मार्टिन वैन डेन बर्ग के बीच 28 सितंबर को हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत नीति आयोग और नीदरलैंड्स दूतावास ऐसा मंच बनाने को लेकर महत्वपूर्ण साझेदारी करेगा जिससे संबंधित पक्षों, नीति निर्माताओं, उद्योग संस्थानों, निजी उद्योगों और क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच व्यापक सहयोग स्थापित हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच पहली आधिकारिक बहस के दौरान तीखी तकरार हुई। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा, कोरोना वायरस और उच्चतम न्यायालय के भविष्य को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। ओहायो के क्लीवलैंड में हुई इस बहस में श्री ट्रंप और श्री बाइडेन ने ऐसे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जो चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस अवसर पर कोरोना महामारी का असर भी साफ देखने को मिला। बहस के दौरान उम्मीदवारों के बीच पर्याप्त दूरी थी, वहां मौजूद लोगों की संख्या सीमित थी और सभी की जांच की गई। राष्ट्रपति चुनाव में अब केवल 35 दिन रह गए हैं और कुछ राज्यों में शुरुआती मतदान पहले से ही चल रहा है। 77 वर्षीय जो बाइडेन और 74 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप के बीच 3 आधिकारिक बहस आयोजित की गई हैं। दूसरी बहस 15 अक्टूबर को और तीसरी 22 अक्टूबर को होगी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों माइक पेंस और कमला हैरिस के बीच 7 अक्टूबर को बहस होगी। दुबई में आईपीएल क्रिकेट के 12वें मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अबुधाबी में कल राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हरा दिया। राशिद खान ने 3 विकेट लिए, उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट लिए जबकि टी नटराजन और खलील अहमद ने 1-1 विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स को 20 ओवरों में 7 विकेट पर 147 रन के स्कोर पर समेट दिया। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जॉनी बेयरस्टो ने 48 गेंदों में सर्वाधिक 53 रन बनाए और टूर्नामेंट में अपना दूसरा अर्धशतक बनाया। वहीं डेविड वार्नर ने 33 गेंदों में 45 रन बनाए जबकि केन विलियमसन ने 26 गेंदों में 41 रन का योगदान दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट पर 162 रन का स्कोर बनाया। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन गतिविधियां फिर शुरू होने के बाद पोर्ट ब्लेयर और देश के अन्य भागों के बीच विमान सेवाएं कल से बढ़ जाएंगी। अब कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद से प्रति सप्ताह कुल 14 उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। इससे पहले केवल 7 उड़ानें ही संचालित हो रही थीं। पर्यटकों के आगमन और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। भारत और बांग्लादेश एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति गठित करने पर सहमत हो गए हैं जो भारत के ऋण सहयोग से चलाई जा रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा करेगी। इस समिति के अध्यक्ष बांग्लादेश के आर्थिक संबंध प्रभाग के सचिव और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त होंगे। मंगलवार को आयोजित संयुक्त सलाहकार आयोग की 6वीं बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। मीडिया की खबरों के अनुसार पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दलों के नए गठबंधन ने घोषणा की है कि वो 11 अक्टूबर को इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ पहली सार्वजनिक रैली का आयोजन करेगा। पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दलों ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक गठबंधन की शुरुआत की जो सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का आयोजन करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ खुला। बाद में इसमें कुछ गिरावट आई। अब से कुछ देर पहले यह 49 अंक गिरकर 37,924 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 5 अंक गिरकर 11,222 पर था।
और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज हवाएं चलेंगी। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई, कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा होने या बूंदाबांदी के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आसमान साफ रहने की संभावना है, लेकिन दोपहर बाद या शाम को हल्के बादल छा सकते हैं। लद्दाख में भी आसमान साफ रहने के आसार हैं। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में तापमान 8 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। दोपहर बाद, शाम या रात में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम तक बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 14 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देहरादून और चंडीगढ़ में आसमान साफ रहेगा। अहमदाबाद, हैदराबाद और गुवाहाटी शहर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित समारोह 2 अक्टूबर को सम्पन्न हो रहे हैं। उत्तरी 24 परगना में बैरकपुर गांधी स्मारक संग्रहालय में एक नई चित्र पृथिका बनाई गई है। इसका आधिकारिक उद्घाटन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। इस चित्र पृथिका में महात्मा गांधी के बचपन के 3 अध्यायों को प्रमुखता दी गई है। इसमें बापू की वर्ष 1869 से 1888 तक की जीवनी को विभिन्न चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। संग्रहालय के निदेशक और सचिव डॉ. प्रतीक घोष ने बताया है कि गांधी जी द्वारा इस्तेमाल किया गया चरखा भी यहां रखा गया है। This year, when year concluding ceremony of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi is going on throughout the country, our Gandhi Memorial Museum at Barakpur, we are developing a new gallery for the future generation. And this gallery we call the Diorama Gallery. In this gallery, when the visitors will come, they will visit the new gallery entitled the Diorama Gallery. And in this gallery, they can find the childhood incidents of Mahatma Gandhi, when he was not Mahatma, he was Mohandas Karamchand Gandhi. And then, 3 life-size diorama of Gandhiji's important events. डॉक्टर घोष ने बताया कि देश में मौजूद 7 राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 150वें समापन समारोह में शामिल होंगे। एक्चुअली एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर 7 नेशनल रिकॉग्नाइज गांधी म्यूजियम ऑल ओवर द कंट्री लाइक दिल्ली, मुंबई, मदुराई, पटना एंड ऑल्सो वर्धा, अहमदाबाद एंड our Gandhi Museum at Barakpur. So we have decided to organize a common program, a joint program on 2nd October and it will be live telecasted on 2nd October. और अब सुनिए बापू का प्रिय भजन वैष्णव जनतो, जिसे फिलीपींस के कलाकारों ने गाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी किया। कहा, विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथरस सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। मामले की जांच विशेष जांच दल करेगा। निर्वाचन आयोग की टीम ने आज बिहार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.33% हुई। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच पहली तीखी बहस।
और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।